हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अमती साग की चटनी बनाएंगे जो कि खाने में टेस्टी होता है और बहुत ही चटपटी बनता है। यह झारखंड में पाया जाने वाला एक साग है जो प्रायः जंगलों में पाया जाता है। यह मार्केट में अगस्त से सितंबर अक्टूबर तक भी मिलता है। यह मुट्ठा में इस तरह से बना हुआ मिलता है और इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरह का होता है। झारखंड में इसे अमती साग या लवई साग के नाम से जाना जाता है। इसका इस्तेमाल लोग चटनी और सब्जी के रूप में करते हैं। मुझे पता नहीं है कि इसे और दूसरे जगहों में किस नाम से जाना जाता है। आपके एरिया में इसे क्या कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए, आज आपके साथ बहुत ही यूनिक चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप इजिली बना सकते हैं। तो चटनी बनाने से पहले हम इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इसका जड़ को इस तरह से, सारे जड़ को हम इस तरह से मिला लेंगे और इसे काट के अलग कर देंगे जिसे हम यूज नहीं करेंगे। यह लंबाई में लतर की तरह होता है तो इसे हम 4 या 5 इंच की लंबाई में इस तरह से बीच बीच में काट लेंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और इसमें हम सारे कटे हुए साग को डाल देंगे। अब हम इसमें 1 या 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसमें हम नमक नहीं मिलाएंगे और हाई फ्लेम पर 2-3 विसिल आने तक इसे बॉईल कर लेंगे। आप चाहे तो यह काम कढ़ाई में भी कर सकते हैं, पर यह जल्दी से अच्छे से बॉईल हो जाए इसलिए मैं अक्सर इसी तरह से बॉईल करने के लिए कुकर का इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपके एरिया में यह साग मिलता हो इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर तैयार होता है। तो 2-3 विसिल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्रेशर ख़त्म होने का इंतज़ार करेंगे। प्रेशर ख़त्म हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी पत्तियां और डंठल यानी कि स्टेम अच्छे से गल गया है। तो इसे हम एक स्टेनर या आटा छलनी में छान लेंगे और एक बाउल के ऊपर इसे रख देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निथर जाए और ये पूरी तरह से जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसका चटनी बनाएंगे। इस तरह से हमने इसे छलनी में छान लिया था और इसका पानी निथर गया है और यह पूरी तरह से बिल्कुल ठंडा हो गया है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें जो थोड़ा बहुत पानी बच गया है तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से दबा दबा कर एक्स्ट्रा पानी को निकाल देंगे। अब हम हाथों की मदद से स्टेम यानी डंटल जो अच्छे से पक गया है पर हाथों से छूने पर हार्ड महसूस होगा, इसे हम इस तरह से निचोड़ते हुए अंदर का पल्प निकाल लेंगे और सीठा बचे इस स्टेम को वेस्ट की तरह अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। इसका कोई यूज नहीं होता है, इसे हम फेंक देंगे। इस तरह से हम चुन चुन कर इसमें से सारे डंठल को इस तरह से निचोड़ते हुए पल्प को निकाल लेंगे। इसमें जो थोड़ा बहुत रेशा वगैरह भी रहेगा, जो थोड़ा हार्ड लगेगा, उसे भी निकाल देंगे। इस तरह से हमने सारे डंठल से निचोड़ कर सारे पल्प को निकाल लिया है। अब यह चटनी बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसमें कुछ आवश्यक सामग्री मिक्स करेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। पकने के बाद यह चटनी खुद ब खुद काफी खट्टी हो जाती है, इसलिए इसमें अलग से खट्टा चीज मिलाना जरूरी नहीं होता है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच सरसों तेल ऐड कर देंगे। हमने हरी मिर्च और लहसुन को बारीक काट लिया है। अब हम इस चटनी में मिक्स कर देंगे। इस तरह से हम सारे सामग्री को चटनी में मिक्स कर लिया है। इसे आप रोटी पराठे चावल वगैरह के साथ खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। यह बहुत ही टेस्टी चटपटी खट्टी चटनी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसे एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो इसी तरह की यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को मेरी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए दबाना ना भूलें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।